हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ एलसीएम फाइंड आउट करना 18 और 21 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए लास्ट डिजिट चेक करें, 8 और ये 1 है। ये तो इवन नंबर है, मतलब 2 के टेबल में आ रहा है, लेकिन 1 तो नहीं आता। ठीक है, या ओवरऑल देखें 21 नहीं आता 2 के टेबल में, तो हम क्या करेंगे, 18 तो आ रहा है 21 नहीं आ रहा, तो क्या हुआ, हम नो एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, हम फिर भी 2 ही लेंगे। 2 के टेबल में 18 आता है 9, 2 के टेबल में 21 नहीं आता, तो 21 का 21 वैसे ही आ जाएगा। अब 9 और 21 है तो हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं, नहीं 2 के टेबल में तो 9 नहीं आता, 21 भी नहीं आता, इसका क्या मतलब है, हम 2 नहीं लेंगे तो 3 ले लेंगे। तो यस, 3 के टेबल में 9 आता है 3, 3 के टेबल में 21 आता है 7, 3 और 7 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से 3 ले लेंगे। 3 के टेबल में 3 आता है 1, और 3 के टेबल में 7 नहीं आता, तो 7 का 7 वैसे ही आ जाएगा, 7 का 7 ले लेंगे, 7 आ जाएगा। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो सारे नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, 6 3 से 18, और 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 से 56, 6 इधर और कैरी 5, ये 7 में 5 प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो क्या आ गया, 126 आ गया। तो एलसीएम 18 और 21 का क्या आ गया, 126 आ गया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।